चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है। नवरात्रि में धन, ऐश्वर्य, विद्या और आरोग्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग मंत्र बताए गए हैं। नवरात्र के 9 दिनों में इन मंत्रों के जाप से आदि शक्ति देवी दुर्गा न सिर्फ प्रसन्न होंगी बल्कि आपकी मनचाही मुरादें भी पूरी करेंगी। बताते चले कि सनातन धर्म में मंत्रों का अपना विशेष महत्व है और किसी भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं काशी के ज्योतिषाचार्य से इन मंत्रों के बारे में। इस बार नवरात्रि में आद्याशक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम किन मंत्रों से अनुष्ठान करके अपने कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। यदि व्यक्ति विद्या प्राप्त करना चाहता है, सरस्वती की प्राप्ति करना चाहता है, तो वह इन मंत्रों से अनुष्ठान करे। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। इस मंत्र का अनुष्ठान करके वह विद्या की प्राप्ति कर सकता है, उनको सरस्वती की प्राप्ति हो सकती है। यदि व्यक्ति धन, वैभव या ऐश्वर्य चाहता है, तो उसके लिए कुछ मंत्र हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अनुष्ठान करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि सौभाग्य और आरोग्यता चाहता हो, तो देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि रिशो जहि। इस मंत्र से सौभाग्य और सुख की समृद्धि के लिए वह अनुष्ठान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका व्यापार शुरू हो जाए या नौकरी छूट गई है, नौकरी मिल जाए, तो या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अनुष्ठान करके वह जो है अपने वृत्ति को, अपने रोजगार को, स्वरोजगार को प्राप्त कर सकता है। यदि किसी की शादी नहीं हो रही है, तो वह भी पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्संसार सागर शुक्लोद्भवाम। इस मंत्र का अनुष्ठान करके वह अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय कर सकता है। विवाह नहीं हो रहा है, तो यथाशीघ्र उनका विवाह हो जाएगा।